नमस्कार, मेरा नाम मास्टर विजय सिंह और मैं जनपद मुजफ्फरनगर यूपी से बिलोंग करता हूँ जी। और मैं पिछले 29 साल से बल्कि 30 साल से अवैध कब्जे यानी पब्लिक लैंड बचाओ अभियान है और मुजफ्फरनगर में ये शुरू किया था मैंने और जो ये फैल चुका है, जो हमारी पब्लिक लैंड है वो पब्लिक लैंड है, उसे वो छूटे और छूट करके पब्लिक प्रोजेक्टों में या गरीब को, ये मेरा काम है। और वहीं पर मैं जब 26 फरवरी 96 को जब मुझे नहीं माना गया था तो मैं धरने पर बैठ गया था कि मैं धरना दूंगा। वो धरना 28.5 साल से लगातार आज तक चल रहा है और धरने से उठ कर अभी आया हूँ और जाके धरने पर बैठेंगे। सबसे लंबा धरना बन चुका है और मैं आपकी बेतवा के लिए वहां भी गया था जी। डॉक्टर आर के परिवार IRS है मेरे मित्र, तो उन्होंने बुलाया था तो वहां भी अवैध कब्जे थे। तो मेरा काम जो है, अच्छा डॉक्टर आर के पालीवाल से आप परिचित हैं? हाँ, मेरे इंडियन रेवेन्यू सर्विस के रिटायर होके भोपाल में सेटल। जी। तो मेरा ये काम है और मैं जो है उस पर लड़ता हूँ और खूब लड़ता हूँ, माफियाओं से भिड़ता हूँ और अवैध कब्जों के लिए मुझे कहीं भी बता दो वो मेरा गुजर वहीं चला जाता हूँ, एक झोंपड़ी में रहता हूँ, नॉट कुछ नहीं, और उसी में करके ये मेरा अभियान है कि मेरा पब्लिक लैंड यही फोकस है। और लगभग 52,000 बीघे का मैं आज जुड़ रहा था, 52,000 बीघे पर ये दोनों तीनों जिले में जा चुका है और अभी 6 लाख बीघे जमीन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इस पे रोजाना आपकी आपकी जो प्रयास है वो अनुकरणीय है और मैं आपकी सराहना करता हूँ। एक बात कि हम सब कुछ बना सकते हैं, नोट छाप सकते हैं, हम जमीन नहीं बना सकते, 1 इंच जमीन नहीं बना सकते, कहाँ से आएगी? पॉपुलेशन बढ़ रही है, पब्लिक प्रोजेक्ट। आपने नाम क्या बताया था अपना? मास्टर विजय सिंह, बस टाइप कर दीजिए गूगल पे वो सब खुल जाएगा। मास्टर विजय सिंह जी, मेरी प्रार्थना ये है, जिस आप जमीन की बात कर रहे हो, कभी उसमें सौंधी खुशबू आया करती थी। मुल्तानी हमारी एक जगह है, मुल्तई, हाँ। ये जो है उसकी मुल्तानी मिट्टी होती है जी, जी, जी। जिसमें लोग बाग यदि बाल धोते थे तो शैम्पू की जरूरत नहीं होती थी, राइट। आज ऐसी उसी मुल्तानी मिट्टी से यदि कोई धोखे से अपने बाल धो देगा तो बाल झड़ जाएंगे। तो अकेली मिट्टी को ही नहीं, हमें मिट्टी को पुनर्जीवित भी करना है। क्यों? क्योंकि वो मिट्टी विषाक्त होकर, हमारी फूड चेन विषाक्त हो गई है। आज जो जितना अधिक फूड पैदा कर रहा है वहाँ सैकड़ों की संख्या में कैंसर ट्रेनें चल रही है, जहर उगल रहा है। और आज जो है यूपी सरकार ने तो एजेंडा बना लिया अवैध कब्जे, भू माफिया, और जब ये कुछ नहीं बना सकते हैं जो बैसाखियों के सहारे हैं और ये बैसाखियां इन्हीं दुष्टों की हैं। ये जो राजनेता हैं, इनके आसपास के चेहरे देखो, पहले तो कुछ बहुत सारे राजनेता ही अपने आप में अपराधी हैं, और जो लोग इनके आसपास बैठे हुए हैं, जो बेशर्मी से अपने पोस्टर लगाते हैं, होर्डिंग लगाते हैं, उनमें कुछ 8-10 बिजुकों की फोटो होती है, उन सभी बिजुओं के अधिकांश असामाजिक तत्व हैं। नहीं, वो सांप उनके डसने के लिए नहीं, आपको डसने के लिए। बहुत सुंदर, आपकी बात खत्म हुई है, आप और आगे कहेंगे? बस कुछ नहीं है, चलिए।